हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। और अब आज मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं है, क्या कहते हैं, खाली साफ़ सफाई घर की। रंगोली भी मैंने बनाई है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ मीठा भी बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगी, ऐड कर दूंगी इसमें वीडियो में। वीडियो वो मैंने कल बना ली थी, बस आज की वीडियो में उसको ऐड कर दूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने बनाई है अपनी पेंटिंग, इसकी भी वीडियो मैं आपको डालूंगी। और आजकल मैंने ये काम भी शुरू कर दिया है कि मैंने पेंटिंग्स बनाना और शुरू कर दिया है। देखिए इधर बटरफ्लाई लगाई है, वो मैंने खुद से ही बनाई है। तो सोचा दीपावली पर कुछ अलग करते हैं, रोज़ का वही डेली का काम एक हाउस वाइफ को जो होता है ऑफकोर्स। और मुझे तो घर घेर दोनों का काम करना होता है, क्योंकि गांव में हूँ तो गाय भैंसों का सारा काम नहीं करना पड़ता, पर जाना पड़ता है, क्योंकि नौकर है उसके साथ भी तो लगना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले सारे घेर में रड़का लगाया, आज झाड़ू लगाई मतलब। और उसके बाद घर में झाड़ू पोछा किया, सब काम किया, तो आज तो यही किया। और वैसे भी इतना स्पेशल डे है, शाम के टाइम थोड़ा सा सेलिब्रेशन सा होता है गाँव में भी, इतना नहीं होता जितना कि शहरों में होता है। बट तो हर अपने मन का होता है, खुद से करना होता है, तो खुद खुश रहना चाहिए और खुद को करना चाहिए। तो वो सब काम मैं कर लेती हूँ, मुझे स्पेशल फील हो जाता है कि हाँ चलो। शहर में तो ये है कि घर से बाहर निकल जाओ, कॉलोनी देख लो पूरी, जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, बाहर निकल के देख लो, चारों तरफ जगमग जगमग हो रखी होती है। गाँव में भी होती है, इतनी नहीं होती पर होती है नॉर्मली। तो वो सारी चीज़ें, चलिए आज शाम को जो भी हम करेंगे आपको दिखाएंगे, और आप मेरी वीडियो देखते रहना। आज बनेंगे हमारे यहाँ बेसन के लड्डू। मैं बेसन भून रही हूँ, दीपावली पे हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। ऑफकोर्स मावे के भी बना सकते हैं, लेकिन मावे से ज़्यादा जो हेल्दी होते हैं वो बेसन के लड्डू होते हैं, और मेरे फेवरेट भी हैं, तो इसलिए भी मुझे बेसन के ही लड्डू अच्छे लगते हैं। मावे के लड्डू खा के पेट ख़राब हो जाता है मेरा तो, और बेसन के लड्डू जो हैं नुकसान नहीं देते हैं, कोई भी खा सकता है, तो इसलिए। अभी बेसन मैंने एक्स्ट्रा और रख रखा है, तो इसको कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ गई थी, तो इसको भी भूनेंगे। मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ और बना लेती हूँ लड्डू, फिर आपको दिखाऊँगी गाइस लड्डू बनाकर। चलिए देखिए गाइस, मेरा भून चुका है बेसन, और मैंने इसमें बादाम मिला लिए हैं काट करके। अभी थोड़ा सा गर्म है, अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देते हैं इसको, और काफ़ी देर से ठंडा हो रहा है, बहुत देर में ठंडा होता है। तो इसको तो भून के मैं भूल ही गई थी रख के, जब तक मैंने बनाए। देखिए गाइस, चौलाई के लड्डू जो कि मैंने बना लिए हैं, चौलाई के लड्डू माई मोस्ट फेवरेट। चलिए देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग पूरा। ये मैंने दीपावली से एक दिन पहले बनाए हैं, लेकिन आपको दीपावली के ब्लॉग में मिलेंगे देखने के लिए। चलिए देखिए आगे आगे। देखिए गाइस, बन चुके हैं मेरे बेसन के लड्डू। मैंने बनाए काफ़ी सारे, कम से कम 2 किलो बेसन के लड्डू बनाए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम क्या करते हैं। तो गाइस, टाइम हो चुका है अब, 5 बज गए हैं। देखिए घड़ी में बज रहे हैं 5, और पूरा दिन मैंने कुछ नहीं करा, वही खाना बनाया, दाल चावल फुल्का, और सिंपल वही कुछ भी नहीं किया। थाली थी, वैसे पूरा दिन काम था, थाली क्या थी, पूरा दिन काम था, खाना बर्तन बाट यही सब, क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लगा है, दिन की टाइमिंग हो गई है कम। और अब जो है, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है। खाना जो है 5 बज रहे हैं, बनाना शुरू कर दिया था काफ़ी टाइम से। और निकाल लेती हूँ मैं गाय भैंसों का दूध, गाय का तो मम्मी ने निकाल लिया, भैंस का निकालूंगी मैं अब। उसके बाद जाएंगे हम जो हमारी माता रानी है गांव में, जो होता है चामुंडा बोलते हैं, चामुंडा देवी, वहां जाएंगे दीवे जलाने। तो देखिए सागर आवाज़ लगा रहा है, बुला रहा है दूर निकलवाने के लिए, तो आ रही हो, एक मिनट रुक जा। तो वो करेंगे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया, उसके बाद मैं आपको सब चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो देखिए गाइस, आ गए हैं किचन में, इसमें बन रही है हमारी खीर सबके लिए,
और इसमें बन रहे हैं आलू गोभी, ये बिना लहसुन प्याज के हैं, जिससे कि माता रानी का लक्ष्मी देवी का भोग लगेगा इसलिए बिना लहसुन प्याज के हैं। और लहसुन प्याज के साथ जो है छोले बनेंगे उसकी देखिए यहाँ कर लिए मैंने तैयारी। और देखिए मसाला भी सारा पीस के रख लिया है इसमें और ये सब। और मैं आपको दिखाती हूँ, आपने देख लिया है मेरी वीडियो में कि मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। और देखिए ये है कंप्लीट मेरी रंगोली जो मैंने बनाई थी। और देखिए गाइस यहाँ ना सुबह सुबह उठकर ये जो एरिया है यहाँ प्रियांक ने कलाबाजी कर दी, जिससे कि ये हो गई थी ख़राब मेरे बेटे ने, तो अब इस पे दीवे जलाएंगे हम। और चलिए ये सब अब पहले मैं दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी, मतलब दूसरा सूट पहनूंगी, जाऊंगी दीवे जलाने के लिए। और फिर मिलते हैं आपसे रात को, दीवे जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। चलिए तो चलिए गए चलते हैं दूध निकालने, ले लेते हैं अपनी बाल्टी और चलते हैं घेर में। और देखिए सागर बैठा है भैंस के पास। हाँ सागर तू निकाल देता दूध, इतना तो कर ही देता भाई। चलिए मैं दूध निकाल लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस निकल गया दूध, गूंगा पानी लेने आया गरम। बेचारा ये बोल नहीं सकता, इसको गूंगा गूंगा बोलते हैं क्योंकि ये है ही ऐसा। और चलिए देखिए दूध निकल चुका है। सर मारा है गूंगा कि मेरी वीडियो मत बनाओ। ले 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 पानी ले ले पानी ले 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 ये मग्घा है गाइस, रखा देख साड़ी से बताइए ये मग्घा रखा है। चिल्लाओ मत दोनों, मैं पहले हाथ धुल लेती हूँ उसके बाद करते हैं कुछ काम। खीर देख लेते हैं अपनी, यार गिर मत जियो। पहले आप साबुन से हाथ धुल लेती हूँ मैं, उसके बाद देखती हूँ। दूध भी कम दे रही है इस टाइम तो भैंस। चलिए यहाँ ना रख दे, भर रही हूँ मैं, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ उसके बाद बनाऊँगी वीडियो फिर आपसे। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैंने मतलब तैयार किया दूसरा सूट पहन लिया क्योंकि दीवे जलाने के लिए जा रहे हैं, मैंने कर लिए तैयारी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयारी मैंने की है। अभी किचन में वो दीवे लगा लिए हैं जो मतलब वहाँ पे लगेंगे, अभी लाइटिंग जलेगी। देखिए गाइस कर लिए मैंने दीवे तैयार, इधर आटा हो गया है, इधर खीर बन गई है, आलू गोभी बन गई है, छोले इसमें बने रखे हैं सबके लिए बने हैं, और ये जो है छुकेंगे। चलिए और दीवे में लेके जाती हूँ, वहाँ मैं वीडियो तो बना नहीं सकती हूँ तो फ़ोन में ही घर छोड़ कर जा रही हूँ, आके अपडेट करते हैं। चलिए देखिए गाइस कर चुके हैं हम पूजा, बस भोग लगाना रह गया है। मैंने आरती कर ली है गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया की, और क्या कहते हैं हमारी लक्ष्मी मैया का टीका बह करके आ गया है आपके पास, तो हम हटा देते हैं। और आरती कर ली है, ये सारी धूप बत्तियाँ बाहर लगवाऊंगी सारे में, जो आज पूरा घर महक जाए अच्छे से। और ये अखंड ज्योत है जो सारी रात जलेगी हमारी, और ये डेली जो दिया हम जलाते हैं वो है। कोई बात ना उसको जला रहने दो, मैं आ रही हूँ भोग लगाऊंगी, वो अंगारी हो रही है बेटा। तो ये हो गया है, फिर उसके बाद मैं रंगोली में दिए लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अब मैं पहले भोग लगा लेती हूँ, हम सब ने मिलकर पूजा कर ली थी, सब चले गए, सब वीडियो में नहीं आना चाहते हैं तो वो दिखाई नहीं दिए आपको, तो मैं इसीलिए। चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइस ये आ चुका है हमारा सात्विक भोजन भोग लगने के लिए, यहाँ पे है अंगारी। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो कि लाइटिंग कम है शायद इसलिए। चलिए अब पहले हम भोग लगा लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और यह है इसमें लोटे में जल, तो हम पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और दिए जलाएंगे। चलिए गाइस तो देखिए गाइस लग चुका है हमारा भोग भगवान का, अब हम बना लेते हैं खाना, ये गाय को देंगे हम खाना और उसके बाद बना लेती हूँ सबके लिए खाना, सब खाते हैं दीपावली मनाते हैं। चलिए ठीक है गाइस। देखिए गाइस सब काम निपट चुका है,
खाना भी बन चुका है, सबने खा लिया है, मम्मी ने, सागर ने, गूंगे ने, गूंगा और सागर जो है ये हमारे सर्वेंट है, इन्होंने भी खाना खा लिया है और सबने खाना खा लिया है, मतलब मैंने और नितिन ने नहीं खाया है। हम अब खाएंगे खाना और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रंगोली। तो गाइस ये रंगोली देखिए, मैंने इस पर दिए लगा दिए, आप बताना कि ये कैसा लग रहा है सारा। एक आध रील बनाई है मैंने बस इस पर, बाकी कुछ नहीं, यही सेलिब्रेशन होता है जो कि कर लिया है, यही आज की पूरी दिनचर्या थी। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करा करें, अगर कोई बात आती है तो प्लीज़ बोल दिया करें, अच्छी हो या बुरी, हर इंसान अच्छी से भी सीखता है और बुरी से भी सीखता है, तो आप बोल सकते हैं। चलिए गाइस, और ये देखिए प्रियांकू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्रियांकू, देखिए प्रियांकू ने ले रखे हैं पटाखे, और पटाखों की आवाज़ से प्रियांक भाग जाता है और रोता कितनी तेज है कि कमरे में घुस जाता है। अभी गूंगा और सागर जो हमारे सर्वेंट है वो पटाखे फोड़ रहे थे और पटाखे की आवाज़ इतनी तेज थी इस तरह की, और ये रोने लगा, हाँ वो गूंगा था, तो वो रोने लगा कमरे में घुस करके, इसको निकाला कि बाहर से बैठ के देखो। तो ये है आज की दिनचर्या, बस सब खाना खाएंगे और ऐसे ही दीपावली हमने मनाई है। मैंने तो खा लिया। हाँ प्रियांक ने खाना खा लिया। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, अगर खा लिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और हाँ सागर ने भी खा लिया खाना, मेरा प्रियांक बोल रहा है कि सागर ने, और पापा ने भी, सबने खा लिया, पापा ने भी खा लिया, पापा तो मम्मा के साथ खाएंगे। वैसे तो मैंने देख लिया था वो खा रहे हैं, वो वैसे एक आध पूरी खाई होगी उन्होंने, तो खा लो तुम दोनों, हमने तो खा लिया, ठीक है हम खा लेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।